भूषण ज्वेलर्स। राजकीय महाविद्यालय लड़बड़ोल में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शनिवार से आरंभ हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम अधिकारी सहायक प्राचार्य संजीव कुमार ने स्वयं सेवियों को शिविर की संपूर्ण जानकारी मुहैया कराई। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर मुनीष ठाकुर ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। डॉक्टर मुनीष ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से सेवा के भाव का अभ्यास और समझ व्यक्तित्व विकास को आधार करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के दर्शन की देन है। इस प्रकार के जो प्रोग्राम है, जैसे सेवा डे का आपका काम करें, इससे आपकी पर्सनालिटी भी बढ़ होगी। आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे और वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होगा, क्योंकि आप साथ ही यहाँ रहेंगे तो जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे आपके द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। मेरा यह इसे खत्म ना होने दें। आप समाज सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी। सहायक प्राचार्य संजीव कुमार ने शिविर के पहले दिन स्वयं सेवियों ने महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में रिटायर प्रधानाचार्य और अध्यापक ध्रुवदेव शर्मा ने स्वयं सेवियों से अपने जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण का भाव व्यक्तिगत विकास को चरम सीमा तक ले जाता है। चर्चा करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, जिसमें आपने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आदरणीय बोलता हूँ। और वैसे राय बुलाए संजीवता तो ये मेरे से कई बार बोलते हैं कि हम आपको बुलाएंगे, आपके साथ की भी इच्छा पूरी हुई और मेरी भी इच्छा पूरी हुई। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना इस शिविर में महाविद्यालय के 50 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। लड़बड़ोल से प्रमोद धीमान की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।